गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बेसन वाली लौकी की सब्ज़ी। तो हाँ गाइस, मैं कोफ्ते खाकर बोर हो गई थी, तो मैंने कहा कौन लौकी को किसे कौन बनाए, तो मैंने कहा चलो कुछ नया देखा है तो वो ट्राई करते हैं। तो बढ़िया ये लंबी वाली लौकी इसमें काम आती ज़्यादातर, जिसमें हम गोल गोल पीसेस काट पाएँ, तो इसलिए आप भी चॉइस कीजिएगा ऐसे ही लंबी वाली लौकी का। इसके बाद इसको छील के इसी तरह से गोल गोल पतले पतले आप जो है काट ले। ज़्यादा मोटा इसका जो है वो मत रखिएगा, मीडियम साइज़ रखिएगा। और जो भी अगर आपकी लौकी में अगर हार्ड वाले बीज आते, कड़े वाले बीज आते, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, और जो सॉफ्ट बीज होंगे उसको आप छोड़ सकते हो। और इस तरह से हमने राउंड पे अपनी लौकियाँ काट ली। और आप चाहो तो लौकी को काटने के बाद धो सकते हो, ताकि जो इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहे, तो जब हम इस पर मसाला की कोटिंग करें तो वो अच्छी तरह से इसमें हो जाए। तो चलिए बना लेते हैं मसाला। तो यहाँ पर जो भी घर पर हमारे ड्राई मसाले होते हैं, कोरिएंडर, टर्मरिक, रेड चिली, क्यूमिन सीड्स का जो हमारा रोस्टेड वाला होता है, वो ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर और राइस फ्लावर मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, पर हाँ ये जो हमारा बेसन है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। देन इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो है मस्टर्ड ऑयल डालने वाली हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा, अगर आप अचार का मसाला यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके इसको हल्का सा पेस्ट के फॉर्म पे बना लूँगी, ताकि वो अच्छे से हम अपने जो लौकी का जो हमने राउंड शेप काटा उसमें अच्छे से उसकी कोटिंग कर पाए। तो इसी तरह से पानी को स्प्रिंकल करते करते मैं इसका एक पेस्ट जैसा तैयार करूँगी। और आप क्या खाना पसंद करते हैं बेसिकली, अगर लौकी आपको पसंद है कि नहीं। वैसे ज़्यादातर हमारे घर में तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं जिससे सब्ज़ी को और टेस्टी बनाया जाए। तो यह मसाला बन गया था, और इस तरह से हम इस पर कोटिंग कर लेंगे। आप पानी जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, ताकि अच्छे से आप इसमें मसाले को कोट कर सकें। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो जब ही आप चाहे तो थोड़ा और ज़्यादा लगा सकते हैं, पर ज़्यादा अगर आप मसाला लगाएंगे तो वो फिर भजिया बन जाएगी लौकी की। तो बेटर ऐसे ही कुछ थोड़ा सा कोटेड कीजिएगा, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा टेक्सचर। थोड़ी देर इसको ड्राई करने के लिए आप रख दें, ताकि जब आप फ्राई करें तो मसाला अच्छी तरह से उसमें चिपका रहे। तो इसमें चलिए फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इसे फ्रिज पे नहीं रखा, ना ही मतलब ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर मैंने 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था। और कुछ इस तरह का जो होगा बेसन जो होगा अच्छी मस्त उसमें गोल्डन ब्राउन कलर कुरकुरापन आ जाएगा। जनरली मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा लगेगा, तो एक मैंने खा कर देखा तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, मन कर रहा था कि पूरा ही खा लूँ। फिर मैंने कहा सब्ज़ी किस चीज़ की बनाऊंगी फिर मैं। तो चलिए यहाँ पे ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सारे ही इंग्रेडिएंट एक साथ ही पीस लिए हैं। आप चाहो तो पहले आप अदरक, लहसुन और प्याज, चिली इनको पीस लीजिए, फिर बाद में टमाटर को अलग से पीस लीजिए। मैंने तो यहाँ साथ में ही डालकर एक साथ ही बना लिया, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं अलग अलग पीसती, अलग अलग बर्तन वो होता तो बेटर है, मैंने एक ही साथ कर लिया। आपके पास ऑप्शन है, आप अलग अलग ग्राइंड कर सकते हो। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल पे बना रही हूँ, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। ये सारे जो हमारे साबुत मसाले हैं ये मैंने ऐड कर दिया, ग्रीन चिली और थोड़ा सा करी लीफ ऐड कर दिया, और जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर देते हैं। और मस्त इसको जो है 2 से 4 मिनट जो है वो सौते कर लेंगे। आपको खुद समझ में आएगा, थोड़ी सी भीनी भीनी हमारे जो भूनने की जो खुशबू होती है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड कर दीजिएगा। तो अभी ड्राई मसाले पे मैं खाली कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ही ऐड कर रही हूँ। देन थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्का सा थिक सा एक पेस्ट जैसा हो जाएगा, और फिर इसको जब कुक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने घी थोड़ा सा हींग डाल दिया, नमक और अपना जो हमारा गरम मसाला है वो डाल दिया, और मस्त इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे अच्छे सा। और थोड़ा और पानी हम ऐड कर देंगे, ताकि इसको अच्छी तरह से जो हमारा ऑयल जो आप खुद देख रहे हो, थोड़ा सा तेल जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आप अगर टमाटर बाद में डालोगे तो और मस्त वो ऑयल रिलीज होता है। और इस तरह से ठीक से ग्रेवी जब आपको लगने लगे, तो फिर आप अपने जो फ्राई किए हुए बॉटल गार्ड्स के जो पीसेस हैं, लौकी के पीसेस हैं, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, और देन इसके बाद ढककर उसको पका लीजिए।
देखिए कितना मस्त जो है टेक्सचर दिख रहा है। और इसी के साथ यहाँ मैंने डाल दिया कोरिएंडर लीव्स, और ये हमारी सब्जी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेटिंग। तो देखिए कितनी मस्त लग रही है ना, मैंने तो सच में गैस पहली बार ट्राई किया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, देखने में अच्छी लग रही, स्वादिष्ट लग रही है, तो एक यमी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और मैंने इसे राइस के साथ ट्राई किया, आप चपाती के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप सिटी का नाम ड्रॉप करेंगे गाइस तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे चैनल को टैग करना मत भूलिएगा। और इस तरह की रेसिपी के लिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।